नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि फायर अलार्म पैनल पे ग्राउंड फॉल्ट आता है तो उसका क्या रीज़न होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको एक्सप्लेन करने में हमारा सहयोग करेंगे मिस्टर उपदेश जी। तो उपदेश जी बताइए कि जब हमारे फायर पैनल पे ग्राउंड फॉल्ट शो करता है तो उसका क्या कारण होता है, क्या कारण हो सकता है? उसके रीज़न सर यही है, जैसे हम जैसे कहीं डिवाइस लगाया है, हाँ, तो किसी ने वायर खींच दिया। वायर खींचने में क्या होता है, या किसी ने डिवाइस खोल दिया, किसी ने झटके से खोला, ऐसे लिया झटके से खोल दिया, ये क्या है, हल्के से खोलना पड़ता है, ऐसे झटके से खोल दिया। झटके से खोलने में क्या है, इसके अंदर जो इसका जंक्शन बॉक्स लगा है, MS का जंक्शन बॉक्स रहता है, इसकी थोड़ा नोक पेनी रहती है, ये वायर क्या है कट जाता है यहाँ से। जैसे ही अगर वायर कटा तो ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा ये वायर है, इसके अंदर इंसुलेशन लेवर्ट चढ़ी हुई है, भीतर से कॉपर होती है, ये छिल जाता है। छिलने से क्या है, ये जंक्शन बॉक्स में टच होता है, जैसे ही टच हुआ अंदर वाला जो कॉपर होता है वो, जैसे ही टच हुआ ये ग्राउंड फॉल्ट पैनल पे शो करने लगा, वो पैनल बार बार वीक करेगा। तो आप चक्कर बढ़ जाओगे ग्राउंड फॉल्ट कहाँ रहा है, तो उसको हम रेक्टिफाई के लिए क्या करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इसके रीजन ग्राउंड फॉल्ट के, ये हमारे पूरे डिटेक्टर के लूप में कहीं से भी कोई वायर कटी हुई होगी और किसी मेटल के कंटेंट से टच हो जाती है तो वो ग्राउंड फॉल्ट शो करेगा, ग्राउंड फॉल्ट शो करेगा, यही रीजन है। ठीक है, तो भी उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे हम? रेक्टिफाई हम ऐसे करते हैं, जैसे हमने लूप यहाँ से उठाया तो यहाँ से लेके हमारे, मान लो अभी तो ये बता रहे हैं आपको कि 20 डिटेक्टर हैं या 30 हैं जो भी हैं, तो हमने यहाँ से डिवाइस को इधर 20 डिवाइस ले लिए और 20 के डिवाइस के बाद आगे का डिवाइस ये मैंने खोल दिया। थोड़ा लाउड बोलो। ये हमारे 20 डिवाइस हैं, 20 डिवाइस के बाद हमने क्या हुआ, इसमें हमारे एक नंबर लूप में ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है। मैंने क्या किया, 5 डिवाइस के बाद एक डिवाइस खोल दिया तो 4 डिवाइस फिर से आ गए, मैंने इसको हटा दिया, अलग हटा दिया, और यहाँ से मैंने इसको वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ये आगे का लूप बंद हो गया, पीछे का लूप चालू हो गया, मैंने यहाँ से आगे का लूप निकाल दिया। अब पीछे का चालू है, अब मैं देख रहा हूँ कि अभी भी ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है, मैंने आगे का बंद कर दिया, यहाँ से वायर निकाल दिया, ये डिवाइस हमारे सारे बंद हो गए, पीछे डिवाइस जो भी हैं 4-5 वो चल रहे हैं। अब मैंने देखा कि यहाँ से मैंने निकाल दिया तो ये चालू है और पीछे का ये बंद है, आगे पीछे के चालू है, तो ये ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है। तो अब मैं ये देखेंगे हमारे चारों के बीच में ग्राउंड फॉल्ट है, आगे नहीं है। ठीक है, आपने ये निकाला, इससे आगे जितने के डिटेक्टर हैं वो हेल्दी है, मतलब हेल्दी है सही। क्योंकि आपने ये निकाला और इसके बाद भी पीछे ग्राउंड फॉल्ट दिखा रहा, मतलब इस डिटेक्टर के पीछे है, पीछे है ये, यहाँ तो डिस्कनेक्ट करने वाला, आगे वाले डिस्कनेक्ट कर देंगे तब, हाँ, ये वर्किंग रहेगी। ओके, तो इसमें शो करता रहेगा तो हम जान लेंगे इसी के बीच में है ये डिटेक्टर और इससे पीछे जितने भी डिटेक्टर और पैनल के बीच में कहीं पे ग्राउंड फॉल्ट है, कोई वायर शॉर्ट है, कहीं ना कहीं शॉर्ट नहीं, वो थोड़ा कट जाता है, टच होता रहता है जंक्शन बॉक्स में, ठीक है, लोहा है या पत्ती है या पेच है स्क्रू है, उसमें टच होगा तो मान लो ग्राउंड फॉल्ट भी शो करेगा। ठीक है, और आपने यहाँ से वायर निकाला लेकिन ग्राउंड फॉल्ट हट गया, जहाँ तो उसका क्या रीजन हुआ, इसका मतलब आपको और आगे जाना, आगे और जाके जा फिर आगे बढ़ना है, 10-15 या 20 जितने भी डायरेक्टर है अंदाजे से, कोई इसको लगा करके फिर आगे बढ़ोगे, फिर वहां से डिस्कनेक्ट करोगे, हाँ, फिर पता लगाओगे, हाँ, फिर 10-5 डिटेक्टर जो भी है उसको पीछे लेंगे और आगे फिर डिस्कनेक्ट कर देंगे, फिर देखेंगे कि हमने आगे के 10 डिटेक्टर डिस्कनेक्ट कर दिए, अब बीच में हमारे इतने हैं, अब पीछे नहीं कर रहा है और आगे तो नहीं आ रहा है, पीछे ही आ रहा है, तो हम फिर पीछे ही आ जाएंगे। ओके, वो हमारे आगे डिवाइस सही है, हेल्थ है, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको ये रेक्टिफाई हो जाएगा कि अभी हमने पहले ये चेक किया था, बिल्कुल, तो भी दिखा रहा था, अब हम इससे आगे आगे वो अब नहीं दिखा रहा, अब नहीं, तो ये और इसके बीच में जितने डिटेक्टर हैं उनको सभी को चेक किया जाएगा और उन्हीं में से कोई एक है। नहीं, अगर सर वैसे भी देखना चाहे तो जैसे हमने इसको जोड़ दिया, हाँ, डिवाइस आ रहे हैं यहाँ पे 10, अब 10 में हम सारे खोलेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, तो हम क्या करेंगे फिर 5-5 को कन्वर्ट कर देंगे। ओके, बीच में तो खोल देंगे, 5 डिवाइस इधर ले लेंगे, 5 इधर, तो हमने 5 आगे निकाल दिए, फिर पीछे आ गया, तो हम ये अनुमान लगा देंगे इस 5 के बीच में है। ओके, अब 5 तो थोड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, खोल सकते हो, अगर फिर भी नहीं वो हो रहा है तो आप यहाँ से लेके फिर 3 के बीच में कट कर दो, 2 पीछे ले लो, 3 आगे ले लो, अगर 3 के आगे सही है और पीछे आ गया तो मान लो 2 ही में है, तो आप देख सकते हो। वेरी गुड आइडिया। तो ये था तरीका ग्राउंड फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने का और उसको रेक्टिफाई करने का। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।
जय हिंद, जय भारत।